वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ के आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरक्की पे बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ भी नहीं है, मंजिल है। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। तो शुरू करते हैं आज का सफर इसी पॉजिटिव कोट के साथ। आज का टॉपिक है विशेष प्रकार की फ्लोरोसेंट ट्यूब। विशेष प्रकार की फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, हमने फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो व्हाइट पाउडर भरा जाता है वो उसका नाम क्या है, जिससे हमें सफेद नीला प्रकाश प्राप्त होता है उसका नाम मुझे बताइए क्या है। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं। इसमें दो प्रकार की होती है विशेष प्रकार की फ्लोरोसेंट ट्यूब में। पहला है त्वरित चालू होने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब, त्वरित चालू होने वाली। अब आप बोलोगे विशेष प्रकार की है तो इसमें विशेषता क्या है? इसकी विशेषता सिर्फ इतनी है कि यह हमें एक सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। इसको मतलब वो नहीं चाहिए कि पहले वो थोड़ा इसको टाइम नहीं लगेगा चलने में। शीघ्र स्टार्ट होने वाली जो ट्यूब होती है उस ट्यूब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए, मैं आपके स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार डायग्राम देख लीजिए। तो इस प्रकार की है ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो त्वरित स्टार्ट होने वाली है। इसमें क्या करते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर का भी प्रयोग करते हैं, ओनली ट्रांसफॉर्मर का, जिससे क्या टैपिंग्स निकली होती है। उन टैपिंग्स के जरिए हम इसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें ना तो चौक की आवश्यकता होती है ना ही स्टार्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं इसके बारे में। चलिए, चलो ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि इसमें जो चौक है, चौक की जगह हम ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में जो टैपिंग्स निकली होती है वो क्या करता है, फिलामेंट को लगातार गर्म करता है। जो हमारे ट्यूबलाइट है उसमें जो फिलामेंट्स लगे हुए होते हैं उसको बार बार गर्म करता है, लगातार गर्म करता है। इतना गर्म करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और उसके अलावा इसके अंदर एक जो दोष होता था कंपन दोष, हमने एक दोष देखा था कंपन दोष, आपने देखा होगा। क्या होता है कि घरों में जो ट्यूबलाइट होती है कभी कभी आपको दिखता है जब-जब करती है, हम कह रहे हैं यार ये बंद चालू क्यों हो रही है, जब-जब क्यों हो रही है, तो वो एक दोष होता है कंपन दोष। लेकिन जो इस प्रकार की जो ट्यूबलाइट है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसमें ये दोष भी समाप्त हो जाएगा और जो हमारी ट्यूबलाइट है वो शीघ्रता से चालू हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये होता है जो इसका बैलास्ट होता है, बैलास्ट बोल सकते हैं या ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं या चोक बोल सकते हैं, जो इसका बैलास्ट होता है, बैलास्ट के काले सिरा जो होता है ना, इसको अलग अलग सिरे होते हैं, तो जो काला सिरा है उसको ही फेज से संयोजित करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, ये हमारा हो गया त्वरित स्टार्ट होने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, उसके बाद एक और है तुरंत स्टार्ट होने वाली, तुरंत चालू होने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट नहीं है, फ्लोरोसेंट है। ठीक है ना, हाँ। तो इसका पहले डायग्राम देख लीजिए आप, आपको डायग्राम दिखा देता हूं मैं। हाँ, इस प्रकार का इसका डायग्राम है जो कि
तुरंत होने वाले फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसका डायग्राम। इसमें क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रोड है उससे एक ही सिरा कनेक्टिंग के लिए बाहर निकला जाता है। अपन ने देखेंगे ट्यूबलाइट से दो सिरे निकले होते हैं, लेकिन इसमें ये ट्यूब होती है वो विशेष प्रकार की ट्यूब होती है, इसमें जो कनेक्टिंग सिरा होता है, इधर देखिए ये एक ही सिरा निकला हुआ है। उसके साथ क्या है, इसमें एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर को भी प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है उच्च वोल्टेज देता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज के कारण क्या होगा, जो ट्यूबलाइट है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो जैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर से क्या देंगे, पहले उच्च वोल्टेज देंगे जिससे हमारी जो ट्यूब है वो हो जाएगी स्टार्ट और एकदम लाल प्रकाश मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें जो इसका वोल्टेज है उसको कम कर देंगे हम शुरू होने के बाद में, इसमें भी स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर लगा दो या फिर उसको बैलास्ट बोलते हैं, बैलास्ट लगा दो और हमारा काम खत्म। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं नियॉन लैंप, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है नियॉन लैंप है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होगी, नियॉन गैस। हाँ, अब इस चीज का ध्यान रखें, जो नियॉन लैंप होता है उसमें फिलामेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, फिलामेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर कौन सी गैस भरेंगे, नियॉन गैस भरेंगे, और जो इसके जो सिरे है वो दो इलेक्ट्रोड रखेंगे, क्योंकि हमने को डीसी में चालू करना है तो भी दो सिरे होने चाहिए, तो उसके लिए जो एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है दोनों में दो सिरे होंगे, और उसके अलावा इसमें एक उच्च प्रतिरोध भी कनेक्टेड होगा, कम से कम 2 किलो ओम का। ठीक है, नियॉन लैंप है, नियॉन लैंप में नियॉन गैस भरेंगे, उसके साथ दो कनेक्टेड सिरे होंगे, उसमें इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड के साथ 2 किलो ओम से भी अधिक का प्रतिरोध जुड़ा होगा, जो क्या करेगा, हमारे वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रोड के साथ प्रतिरोध होगा वो वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है ना, हाँ, उसमें और जो हमारे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच में विभवांतर उपस्थित होगा, वो विभवांतर क्या करेगा, नियॉन गैस को आयनित करेगा और हमें प्रकाश मिलेगा। जो हमारे नाइट लैंप होते हैं वो नाइट लैंप नियॉन के ही बने, वो नियॉन लैंप ही होते हैं, जो नाइट लैंप होते हैं वो सारे नियॉन लैंप है। ठीक है, विभवांतर के कारण जो नियॉन गैस है उसका आयनीकरण हो जाएगा और हमें लाल कलर का बड़ा प्रकाश दिखेगा, लाल और गुलाबी कलर का, किसके कारण, नियॉन गैस के कारण। उसके अलावा इसमें एक चीज और है, अलग अलग गैसों के कारण अलग अलग प्रकाश हमें मिलेगा, लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता था, हम जो उसका पदार्थ लेंगे, जो हम केमिकल यूज लेते थे उसकी ट्यूब के चारों ओर अंदर की ओर, उसके कारण हमें प्रकाश अलग अलग दिखता था। इसमें हमें अगर अलग प्रकाश चाहिए तो अलग अलग गैस भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं नियॉन साइन ट्यूब। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन होते हैं, जैसे हम देखा होगा कि मेरे को लिखना है ITI, तो हम इस प्रकार का एक लैंप भी प्रयोग में ले जाते हैं, इसको बोलते हैं नियॉन साइन लैंप, तो हम ITI को भी प्रकाशित कर सकते हैं और तुम भी प्रकाशित कर सकते हो ITI को, यदि तुम पढ़ोगे ध्यान से तो पानी की बोतल लेना। तो वो एक बार क्या हुआ कि एक
लड़के को उसके पिताजी ने बोला कि मेरा नाम रोशन करोगे कि नहीं करोगे, कि हाँ बिल्कुल करूंगा, तो कि कैसे करोगे, तो कि आपकी नेम प्लेट पर बल्ब जलाकर। अब नेम प्लेट पर बल्ब जला के रोशन करोगे तो वो क्या काम का, ठीक है ना। अगर आईटीआई, अपनी आईटीआई को रोशन करना है, अपनी आईटीआई को आईटीआई में बदलना है, आईटीआई से आईआईटी का सफर तय करना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। कमेंट आए है कैंडल लाइट डिनर कराया जाए, व्हाइट पाउडर होता है, अरे व्हाइट पाउडर तो होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मैग्नीशियम टंगस्टेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट, ठीक है ना। वो पाउडर होता है, ये सफेद पाउडर तो सबको पता है, फिर तुमको क्या पता है। और कैंडल डिनर करना है ना बेटा, तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कैंडल डिनर करना है तो भी पढ़ना पड़ेगा, हर चीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, उन सपनों को साकार करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। नींद आ रही हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, सर दर्द हो रहा हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं है तो भी पढ़ना पड़ेगा, अगर सपने साकार करने हैं तो। यदि आप नहीं करोगे तो कोई और आपके बलबूते पर कर लेगा, आपको अपने अंदर काम में रखेगा, और सपने उसके पूरे होंगे, तुम्हारे पूरे नहीं होंगे, तुमको सैलरी देगा, तुम उसके सपने पूरे करोगे, ठीक है। तो या तो खुद करो या दूसरों के करो, करने तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बैठे बैठे तो रहने देगा नहीं कोई, बैठे 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 तो कोई खाने देगा नहीं, क्या लेन, एक मिनट एक मिनट, हाँ लेन आ गई, हाँ ठीक है। तो नियॉन साइट, नियॉन साइन ट्यूब का एक बार डायग्राम देख लीजिए, इस प्रकार की होती है नियॉन साइन ट्यूब। देखो इसमें, ये देखो इन्होंने लिखा है नियॉन ट्यूब्स, अभी सारे आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के चिन्ह बनाकर विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शोरूम है, शोरूम के बाद हम देखा होगा लाइट, लाइट में यूं लिखा हुआ होता है बड़ा, यूं नाइकी लिखा हुआ है या गोल्ड लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, तो ऐसे कैसे उनमें नियॉन लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। उनके लिए, उनके साथ एक ट्रांसफॉर्मर भी होता है, एक कैपेसिटर भी होता है, और उसके बाद ये फ्यूज वगैरह ये सारे कनेक्टेड होते हैं विज्ञापन के लिए। क्या होता है इसमें कि इस ट्यूब को जो प्रचलन करते हैं ना, जैसे मेरा ये शब्द लगे हुए है, तो मेरे को प्रति मीटर के हिसाब से 1000 वोल्ट देना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताता है इसके बारे में। हाँ, तो जितना बड़ा हमारा वर्ड होगा, उस हिसाब से क्या करेंगे, उतना वोल्टेज बढ़ता जाएगा। प्रति मीटर के हिसाब से 1000 वोल्ट चाहिए मेरे को। यदि मेरा साइन बड़ा है तो उसके लिए कम से कम 5000 वोल्ट देना पड़ेगा, तभी यह स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसको उच्च वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है हमें। उच्च वोल्टेज किससे प्राप्त करेंगे, उच्च वोल्टेज के लिए हमने उच्च रिएक्टेंस वाला स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ है। उस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जरिए हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, 5000 वोल्ट तक बढ़ाएंगे, और धारा को निम्न रखेंगे, कब, शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद जब हमारी डिस्चार्जिंग क्रिया शुरू हो जाएगी तो हमारी धारा का मान बढ़ जाएगा और वोल्टेज का मान आधा रह जाएगा, 5000 का 2500 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है इसके समांतर क्रम में, जो नियॉन साइन ट्यूब है उसके समांतर में ये ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, आपने देखा होगा। अब कैपेसिटर का क्या काम है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। कैपेसिटर का काम है पावर फैक्टर को सुधारना। जो हमारा वोल्टेज का मान घटने के कारण, जो उच्च रिएक्टेंस है उसका मान घटने के कारण क्या होता है, जो उसका पावर फैक्टर है वो घट जाता है। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए
कैपेसिटर का प्रयोग करता है इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। और इस बात को विशेष ध्यान रखना, जो इसकी आयु होती है वो 10,000 घंटे होती है। नियॉन साइन लैंप की आयु होती है 10,000 घंटे सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा यदि मुझे अलग अलग कलर का प्रकाश चाहिए तो अलग अलग गैस उसमें भरनी पड़ेगी। यदि नियॉन गैस भरी हुई है तो हमें लाल कलर का प्रकाश दिखेगा, यदि नियॉन और आर्गन भरी हुई है तो नारंगी लाल दिखेगा। यदि नियॉन और हीलियम है, आप देखो गोल्डन कलर होता है ना, गोल्डन कलर के लिए चाहिए नियॉन प्लस हीलियम, उससे हमें गोल्डन कलर मिलेगा एकदम यूं सोने जैसा। वैसा कलर चाहिए तो अपने क्या करना पड़ेगा, हीलियम भी डालने पड़ेंगे नियॉन के साथ, ठीक है ना। उसके बाद अब अपन इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियॉन, जो नियॉन हमारा ट्यूब है उसमें डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप खुद ही। आपने दोनों चीजें पढ़ ली है कि नियॉन ट्यूब इस प्रकार होती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब इस प्रकार होती है, तो मुझे तो बताइए कि डिफरेंस क्या होगा दोनों में। कमेंट बॉक्स में डिफरेंस बता दीजिए, एक एक करके बता दीजिए कि भाई ये डिफरेंस होता है। नहीं पता क्या, हाँ तो एक तरफ ले लेते हैं नियॉन, एक तरफ ले लेते हैं फ्लोरोसेंट। हाँ सबसे पहला डिफरेंस यही है, हमने नियॉन लैंप में इलेक्ट्रोड लिए है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हमने फिलामेंट लिए, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस यही है, इसमें क्या लिए इलेक्ट्रोड और इसमें लिए फिलामेंट। किसके किसके लिए भाई बताइए। हाँ भाई किसके फिलामेंट लिए है, फिलामेंट किसका होता है, ऐसे करोगे तुमसे कौन शादी करेगा, अरे तो शादी ही नहीं करेगा तुम यार, यही नहीं पता है क्या। सबसे पहले यही पूछेंगे कि भाई फिलामेंट किसका, तुम्हें यही नहीं पता है किसका होता है, बल्ब में किसका होता है, नियॉन ट्यूब में नियॉन गैस होती है। हाँ ठीक है सही है। अरे टंगस्टन का साला यही नहीं पता है, सबसे पहले बताया हुआ टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड। दूसरा पॉइंट उसने बताया गजेंद्र ने कि इसमें नियॉन गैस भरी होती है, ठीक है इसमें कौन सी होती है, क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता। हाँ भी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कौन सी गैस भरी होती है। नियॉन गैस में हो गई नियॉन गैस, फ्लोरोसेंट में कौन सी हो गई, आर्गन होती है कि नहीं होती है, आर्गन गैस होती है कि नहीं होती है, मुझे इतना बता दीजिए। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, हाँ सही है बिल्कुल सही है गजेंद्र, आर्गन सही है। तीसरा पॉइंट ये हो गया, इसकी जो लंबाई होती है वो 5 मीटर तक होती है और इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर तक, कितनी 1.5 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। और क्या डिफरेंस होगा, व्यास कितना होता है 10 से 20 mm और फ्लोरोसेंट का डबल होता है, इसका व्यास हो जाएगा कम 10 से 20 mm और इसका हो जाएगा 20 से 40 mm। जो हमारी ट्यूबलाइट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है
और जो नियॉन्स जो साइन लैंप होते हैं वो बहुत छोटी, उसकी जो ट्यूब होती है वो बहुत छोटी रहती है। इतना जल्दी जल्दी जवाब, अच्छा ठीक है, हाँ तो तुम दे दो जवाब, मैं नहीं दूंगा, तुम दे दो। और क्या होगा डिफरेंस बताइए। ठीक है, हाँ डिफरेंस बताइए। एक डिफरेंस दशरथ ने बताया है, इसका जो अधिकतम वोल्टेज हमें कितना चाहिए, 5000 वोल्ट। अभी बताया कि स्टार्ट होने के लिए 5000 वोल्ट चाहिए, प्रति मीटर 1000 वोल्ट हमें बढ़ेगा, और इसमें कितना चाहिए, इसमें अधिकतम 100 वोल्ट, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो और फ्लोरोसेंट की आयु 1000 घंटे होती है, हाँ 1000 होती है, और नियॉन की, नियॉन की कितनी होती है, 10000 घंटे। इसकी 1000 से 3000 लगभग। उसके अलावा इसको किसी भी आकार में बना सकते हैं। इसको मैंने ऐसे, मैं ऐसे बना सकता हूँ, एन ई ओ एन यूं गोले करके कैसे भी बना सकता हूँ मैं इसको, लेकिन ये डंडा मेरे को सीधा ही चाहिए। इसको मैं ऐसे मोड़ के नहीं बना सकता, अगर इसको मोड़ के बनाऊंगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा। इसको मैं ऐसे यूं नहीं बना सकता, यूं पी करके यूं पी नहीं बना सकता इसको। ठीक है, वो सिर्फ नियॉन लैम्प को ही बना सकते हैं। उसके अलावा जो नियॉन लैम्प है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, विज्ञापन के कार्यों में, है ना। और फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग कहाँ करेंगे, सामान्य रोशनी के लिए घरों में। बस इतने डिफरेंस है, उसके अलावा और डिफरेंस हो तो और आप देख लेना क्या क्या डिफरेंस होते हैं। विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न प्रकार की गैसें भरेंगे, बिल्कुल सही जवाब। विभिन्न, मुझे अगर रंग चाहिए अलग अलग तो नियॉन लैंप में क्या होगा, अलग अलग गैसें भरनी पड़ेगी। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होगा, अलग अलग पाउडर भरना पड़ेगा या अलग अलग रसायन भरना पड़ेगा। हमारी ट्यूबलाइट में कौन सा होता है, मैग्नीशियम टंगस्टेट, याद रखना ये तो बात। अब आता है नई एडिंग, आर्क लैंप। आर्क लैंप हमारा डीसी पर प्रचालित होता है। जो आर्क लैंप होता है वो डीसी सप्लाई पर प्रचालित होता है। उसके अलावा इसमें एक चीज और होती है, जो हम जैसे वेल्डिंग नहीं करते हैं तो वेल्डिंग के साथ भी प्रकाश उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, आंखें चौंधिया जाती है। कभी वेल्डिंग करते हो ना, उसको देखना आप, यदि इसको लगातार देख लिया ना, आपको रात को लगेगा कि यार आंखों में जैसे पत्थर डाल रही हो, ऐसा लगता है। जो रात दिन वेल्डिंग करते हैं ना, उनकी क्या आंखें उस हिसाब से सेट हो जाती है, लेकिन आप यदि एक दिन वेल्डिंग करोगे ना, आपकी आंखें खराब हो जाएगी, मतलब आपको नींद ही नहीं आएगी, इस प्रकार हालत हो जाती है। मेरी की हुई है, मैंने एक बार हमारे कॉलेज में जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हमने एक बार किया था वेल्डिंग का कार्य, हालत खराब हो जाती है आंखों की, मतलब जब यदि आप प्रोटेक्शन नहीं लगाओगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, आर्क लैंप क्या करते हैं, इसमें दो लेते हैं इलेक्ट्रोड, उनके बीच में कम से कम 1.5 मीटर और अधिक से अधिक 5 मीटर का गैप रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रोड हो जाते हैं वो जो पॉजिटिव होता है, जो एनोड होता है, उसको रखते हैं बड़ा, उसको दुगनी साइज, देख लो साइज, ये बड़ा ये छोटा, ले लिया यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ब्लास्ट और सप्लाई दे दी डीसी सप्लाई। ठीक है, तो क्या होगा, इनके मध्य में उच्च विभवांतर उत्पन्न होगा, उसके कारण आर्क प्रोड्यूस होगा। जैसे वेल्डिंग में आर्क प्रोड्यूस होता होता है, वैसे वैसे इसमें भी क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, जो और उस आर्क के कारण हमें रोशनी दिखाई देगी। ठीक है, और
इसके अलावा जो इसका टेम्परेचर है वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसका भी 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होता है कि 85% प्रकाश ये देता है, 5% ये देता है और 10% प्रकाश ये देता है। इस प्रकार हमें 100% ये प्रकाश मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है, उपयोग होगा सिनेमा में, प्रोजेक्टर में और जो सर्च लाइट होती है उसमें। इसका क्या कारण है, किसका कारण भाई, किसका कारण? किसका कारण बताना भाई? कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर दो। अब हमारा जो लैंप है, लैंप सारे हो चुके हैं पूरे, एक बचा है हैलोजन लैंप। वो हैलोजन लैंप हम करेंगे, कल कर देंगे और हमारे लैंप सारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। लैंप हो जाएंगे पूरे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। इसका क्या कारण है सर? वो डंडे वाली ट्यूब के उसे सीधा क्यों रखा जाता है? यदि सीधा नहीं रखेंगे तो जो उसके कण है वो एक इलेक्ट्रो फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट की तरफ भागते हैं। यदि इसको मोटा हुआ रखेंगे तो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी और हमारा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इस कारण उस ट्यूब को सीधा रखा जाता है, उसमें फिलामेंट होते हैं और इसमें होते हैं इलेक्ट्रोड। उसी कारण इसको अपन किसी भी आकृति में मोड़ सकते हैं नियॉन लैंप को। और इसका जो ग्लो होता है ना वो अलग होता है, अलग प्रकार का होता है, तो हमें आकर्षित करता है। इसी कारण विज्ञापन में प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे वो दुकान है, किसी की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, तो उसने सुनहरा कलर लगा के लिख दिया गोल्ड, तो आपको अलग ही दिखेगा वो गोल्ड में लिखा हुआ, और आपको उस दुकान की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है ना। और उसकी यदि उसकी तरफ देखोगे तो आपको सामान भी दिखेगा कि हाँ भाई वो चैन है, मेरे को चैन लेने था, उसकी दुकान में जाओगे। ऐसा नहीं होता, कभी सब्जी मंडी जाते हैं तो अचानक कोई बोलता है माखन है, माखन है, माखन है, देखते होता क्या है आगरे का बेटा, माखन की तरह आगरे का बेटा। तो इस प्रकार ये टेक्निक होती है विज्ञापन की, उस टेक्निक के जरिए वो चीजें बेचते हैं। हाँ चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, पर्यावरण संरक्षण कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।